बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आपके मन के दोष दूर होंगे और मन आपका अच्छा होगा, मन आपका इंप्रूव होगा। और भी अच्छी बात यह है कि धन की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया बनी रहेगी, पैसे निरंतर आपके पास आते रहेंगे और जहां कहीं पर धन आपका रुका हुआ है, जहां कहीं पर धन आपका फंसा हुआ है, वो रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और इस समय अगर आप करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे करियर में आगे बढ़ने के लिए, उस दिशा में आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। ध्यान कहाँ रखना है, इस सप्ताह के अंत में आपको बेवजह का परिवार में वाद विवाद ना हो, एक तो उसका ध्यान रखिए और दूसरा चोट चपेट से भी आपको बचना चाहिए क्योंकि सप्ताह के अंत में बेवजह दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम निपटते चले जाएंगे, सप्ताह शुरू होगा और लाभ की स्थितियां आपके लिए बनती जाएंगी, धन का आगमन ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी पैसा ठीक तरीके से आपको आता रहेगा, इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी निश्चित रूप से हो सकता है। इस सप्ताह में संतान की उन्नति होगी, संतान का डेवलपमेंट होगा और आपके परिवार में शुभ कार्य भी अवश्य होंगे। इस सप्ताह की सबसे अच्छी जो बात है जो आपके साथ होने वाली है वो ये है कि आपके जो रिश्तों की समस्या है, आपके नजदीकी रिश्तों में जो दिक्कत आ गई थी, वो रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी और तनाव में आपके कमी आएगी। ध्यान कहां रखना है, देखिए बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा समय मिला है आपको, तो इस सप्ताह समय का पूरा सदुपयोग करें, इस सप्ताह समय का पूरा सही इस्तेमाल करें तो आपके लिए सप्ताह और भी ज्यादा शुभ होगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि एक तरफ सप्ताह शुरू होगा, दूसरी तरफ आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइए और किसी भी तरह के विवाद से इस समय बचना आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि देखिए समस्या केवल दो दिन की है, सोमवार मंगलवार बुधवार से, यानी सप्ताह के मध्य से आपकी बाधाएं समाप्त होंगी और आपकी चिंताएं कम होने लगेंगी। धन को लेकर कोई भी मुश्किल नहीं है, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। इस सप्ताह आपको पारिवारिक विवादों से बचाव करना है, इस सप्ताह में परिवार में विवाद ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। तो बाकी चीजें बहुत सही हैं, इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान सेहत का रखिएगा, परिवार में विवाद ना हो उसका भी ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजों को आप मैनेज कर लेंगे। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, अपने महत्वपूर्ण काम इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप शुक्रवार के दिन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत देखिए अच्छी है आपके लिए क्योंकि आपका कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम सप्ताह की शुरुआत में फटाफट बन जाएगा। करियर और धन के मामले में आपको बेहतर सफलता मिलेगी, यकीनन आप करियर के लिए प्रयास कर रहे होंगे और इस समय आपको फायदा होगा, पैसे की दिक्कत भी सप्ताह में कम हो जाएगी। लेकिन देखिए चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी, एकदम से नहीं होंगी,
और धीरे धीरे बेहतर हो भी रही हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि अभी भी आप अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान अगर बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस समय कोई पेपर साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई फॉर्म भरना है, चेक पे साइन करना है, तो जहां तक संभव हो लिखा पढ़ी के कार्यों में आपको सावधानी बनाए रखनी है इस सप्ताह में। सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं, कहीं घूमने के लिए, टहलने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। तो देखिए, थोड़ा सा अपने मन पर और अपने स्वास्थ्य पर अगर आप ध्यान दें, जल्दबाजी से बचें, तो कर्क वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए अच्छे होंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। सप्ताह शुरू होगा, करियर में आप इंतजार कर रहे हैं कि अप्रेजल हो जाए, प्रमोशन हो जाए, बिल्कुल सही समय है, कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की बात इस समय तेज हो सकती है और आपका विवाह इस सप्ताह में तय हो सकता है। संपत्ति खरीदने बेचने में या संपत्ति संबंधी किसी कार्य में या पारिवारिक मामलों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर ठीक बनी रहेगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान कहां रखना है, सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट न लग जाए, आप घर में फिसल के गिर न जाएं, बाथरूम में न गिर जाएं, सीढ़ी से न लुढ़क जाएं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आंखों में दिक्कत होती है तो उसको टालिएगा नहीं, चोट चपेट और आंखों की समस्या का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं। सप्ताह शुरू होगा और पैसे का बेहतर आगमन होगा, पैसे की बेहतर प्राप्ति होगी। संपत्ति खरीदने बेचने के स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय आप संपत्ति या तो खरीदेंगे या बेचेंगे और चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, इस बात की भी संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। करियर संबंधी कोई शुभ सूचना इस समय मिल सकती है। करियर में कोई बड़ा फायदा, कोई बड़ा लाभ आपको इस समय हो सकता है। और देखिए, राहत की बात यह है कि धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। तो भैया, जब ये सप्ताह इतना अच्छा है और हर तरह से सफलता दे रहा है, तो मेरी सलाह आपके लिए यही है कि समय का सही प्रयोग करें। इस सप्ताह अगर आप अपने समय का सही प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो आपको सफलता जरूर। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और इस समय लापरवाही मत करिएगा, वरना जो बड़े मौके आपको काम करने के मिले हैं, जो बड़े अवसर आपको काम करने के मिले हैं, वो काम आपके बिगड़ सकते हैं। हालांकि देखिए, सप्ताह के मध्य से बुधवार के दिन से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस समय किसी मित्र की सहायता मिलेगी या किसी रिश्तेदार की सहायता आपको मिलेगी और उस सहायता से आपको लाभ जरूर होगा। सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति में आपके सुधार के योग बन रहे हैं, यानी जो प्रेशर है आपके ऊपर, जो दिक्कतें हैं आपकी, वो सप्ताह की शुरुआत में हैं। अगर आप शांति से आगे बढ़ जाएंगे तो आगे के दिन आपको परेशान नहीं करेंगे। शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। शनिवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि, चलिए सप्ताह की शुरुआत होगी और आपका फटाफट रुका हुआ काम बन जाएगा, यानी सप्ताह शुरू, लाभ होना शुरू।
मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम रहेगा इस सप्ताह में और स्वास्थ्य के मामलों में भी आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बहुत हद तक काम भी बनेगा, मन और सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस सप्ताह में ठीक दिखाई दे रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है या जीवन में किसी स्त्री या पुरुष का प्रवेश हो सकता है। प्रेम के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। देखिए, बहुत सारी सफलताएं इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही हैं और बहुत सारी नई शुरुआत के संकेत भी हैं, लेकिन जहां तक संभव हो इस सप्ताह में जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में आपके काफी व्यस्तता रहने वाली है, काफी दौड़ भाग रहने वाली है। किसी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाइए, किसी लाभदायक यात्रा पर आप जरूर जा सकते हैं। और करियर में इस समय कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है, आपको कोई अलग से जिम्मेदारी दी जा सकती है, इंटर डिपार्टमेंटल परिवर्तन हो सकता है, यहां से उठा के वहां जा सकते हैं। यानी करियर में कोई बड़े परिवर्तन इस सप्ताह में हो सकते हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। ध्यान कहां रखना है, सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, आराम नहीं मिल पा रहा है। इस चक्कर में सेहत न बिगड़ जाए तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और मानसिक तनाव से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम मंगलवार के दिन करते हैं तो उसमें सफलता आपको जरूर। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव आपका निश्चित रूप से समाप्त होगा, मेंटली आप थोड़े बेहतर होंगे, पारिवारिक समस्याएं भी धीरे धीरे आपकी हल होंगी, करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी, आप मजबूत पोजीशन में पहुंच जाएंगे और इस समय आपके लिए धन लाभ की अच्छी स्थितियां हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, किसी संपत्ति का लाभ हो, यह संभावना आपके लिए बन रही है। ध्यान कहां रखना है, इस सप्ताह घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के आपको तनाव या आपको चिंता हो सकती है। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत शुभ होगा, विशेष अनुकूल होगा। इस दिन महत्वपूर्ण काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंता दिखाई दे रही है और इस मानसिक चिंता की वजह से हो सकता है स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कतें आए, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो, बेवजह के परिवार में विवाद हो सकते हैं। यानी शुरुआती दो दिनों तक सोमवार और मंगलवार को सावधानी बनाए रखिएगा, बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। हालांकि जो धन की स्थिति है वो आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी, धन का आगमन नियमित रूप से होता रहेगा। इस समय आपको शिक्षा और प्रतियोगिता में उत्तम सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। यानी सारा मामला बुरा नहीं है, धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव भी बढ़ेगा। तो देखिए सप्ताह आपके लिए अच्छा है। कुल मिला के शुरुआत में थोड़ी शांति रखें, मन को कंट्रोल में रखें तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो उसमें आपको लाभ जरूर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई रुका हुआ काम आपका निश्चित रूप से बनेगा, प्रयास जारी रखिए। करियर और शिक्षा के मामले में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन बुधवार और बृहस्पतिवार को सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बेवजह का तनाव मत पालिएगा। कल्पना में ये मत सोचिए कि आपका काम नहीं होगा, आप सफल नहीं होंगे, बहुत टाइम लग रहा है। थोड़ी शांति रखिएगा, स्वास्थ्य और मन पर नियंत्रण बनाए रखिएगा।
देखिए इस समय ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो परिवार के बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता से आपको इस समय में लाभ होगा। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि विदेश से या दूर के स्थान से भी आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। तो केवल इस सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य और मन का ध्यान रखें, बाकी मामले इस सप्ताह के आपके लिए बेहतर दिख रहे हैं। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन निपटाएं तो इससे आपको लाभ जरूर।